हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू व्लॉग है कि आज अनायत की पीटीएम है, तो अनायत को तो रेडी कर लिया है पर इसका मूड ऑफ है। देखो तो सही। तो इसको मैं ये बोल रही हूँ कि आज मैं पूरी शिकायत ढालूंगी तेरी मैम के पास, जो जो तू हरकतें करती है। सुबह से इसने खाना खाने में भी पूरा 1 घंटा लगा दिया है, तो इसलिए इसने मुंह बनाया हुआ है। तो बस अब मैं रेडी होती हूँ और फिर आपको मिलते हैं। तो मैं आज ये वाला सूट पहनूंगी। जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो ये वाले सूट्स मैंने व्लॉग में भी दिखाए थे, सेल के लिए लाए हुए थे। तो उसमें से एक बेबी पिंक था, वो मैंने अपने लिए सिल दिया क्योंकि मैंने वाइन कलर सिला था, पर वो वाइन कलर मैंने किसी और को दे दिया था। तो मुझे भी एक सूट सिलना था, तो मैंने ये बेबी पिंक सिला है। अब मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी। इसका मूड अभी तक ऑफ है। मैं रेडी हो गई और अनायत तो चली गई है और अनायत प्रिंस की गाड़ी में बैठ गया और अनायत का तो मूड ऑफ है। जब से हम सो के उठे हैं, मतलब एक ही बात बोल रही है कि मामा मेरी शिकायत नहीं ढालना, अगर आप शिकायत ढालोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पढ़ूंगी नहीं। मतलब इतनी सी बच्ची यार अभी से ब्लैकमेल कर रही है। और अब शायद इसके वो एग्जाम्स हुए थे जो उसके, शायद वो भी मिलेगी शीट वर्कशीट वगैरह, बाकी पता नहीं अब क्या होगा। पर बोलती है कि मैं मम्मा कुछ नहीं लिख के आई हूँ उसमें, अब मेरे को नहीं पता क्या होगा। और देखो मैंने वो अपना आउटफिट पहन लिया है और बेबी पिंक कलर का है, अच्छा है। और वाइन भी था, मैंने सिलवाया था वो, तो मैंने किसी को पसंद आया था उनको दे दिया था। तो मैंने, मेरे को था कि मेरे को भी अपना एक सूट सिलना ही सिलना है। तो बस अब चलते हैं, फिर आपको मिलेंगे। शिकायत नहीं डालनी ना, ठीक है? आप गुड गर्ल की तरह बैठो, मैं मैम को कुछ नहीं बोलूंगी। बैठो बैठो। और गर्मी बहुत है और उधर महली में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हो गई है अनायत की मीटिंग और ठीक था। ये मेरे को ऐसे ही डरा रही थी कि इसने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, सब ठीक था। और अनायत, मम्मा ने बोली आपकी शिकायत? मैंने बोला ये खाना नहीं खाती है, तो मैम आप इसका ध्यान रखेंगे, है ना अनायत? हाँ। पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, पानी तो मिलेगा ही नहीं इसको। पूरे दिन भर पानी पीती रहती है, वॉशरूम जाती रहती है। तो बस, और अब इसकी हॉलीडेज भी है, इसको 30 तक 1st तक छुट्टियाँ पड़ी है, तो अब मज़े करेगी। गर्मी की महली में बहुत ज़्यादा, मतलब हवा भी गरम गरम हवा चल रही थी। अनायत, कितनी गर्मी है आपकी स्कूल पे? बहुत गर्मी है यार, बहुत 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 ज़्यादा। तो घर पहुंच गया और मैं पहली बार, मतलब मैं नहीं पसंद करती हूँ ये कुल्फियाँ वगैरह, आज मैं पहली बार चॉकोबार ले रही हूँ अनायत वगैरह भी। और यहाँ आए तो यहाँ हमें कौन मिला? देखो हमारा कोई गेस्ट आया था। इधर तो देखिए जी। हाँ, तो आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? मटर पुलाव बना रहे हैं। पता क्या, हमने कहीं जाना था तो मैं आपको आगे आगे व्लॉग में बताऊंगी कहाँ जाना है। तो अभी हम तो थक गए हैं, ये वॉश करना पड़ेगा, ये वॉश करना पड़ता है, कुछ भी हो सकती है। और मटर पुलाव खाएंगे हम, देखते हैं कैसा बनाता है। आलू भी है यार नीचे, ये इसमें ड्रॉज में रखे है। तो ये है जी अनायत का। अनायत ना अपने सॉक्स खोलती है, ना शूज खोलती है, ना मतलब कुछ भी एक भी काम नहीं करती है। तो क्या कहते हैं, आपको मैंने कुछ चीज़ दिखानी है, तो देखिए। तो ये देखो आप कितने वो है गुच्छी। हम लोग तो इसको च्याऊ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब एक तो ये अनायत का शुरू करती है ना, ये क्या बोलते हैं, वो लेके आए थे विके जीजू खरीद के लेके आए थे, तो उन्होंने हमारे को भी दिए इतने सारे। तो हम मतलब कब तक खाएंगे इसकी सब्जी? बहुत टाइम चलेगी, है ना? बहुत सारे है ये, तो हम इसको खाओगे नहीं, ये नहीं होते खराब, इसको खाएंगे अब। तो कुछ खुरमानी भी है, पलम भी है, और हम जहाँ भी जा रहे हैं वो तो आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। अब हम सफ़र में इसका मज़ा लेंगे, खुरमानी पलम वगैरह। छोटे गुच्छी अच्छी लगती है तो बन गया है जी पुलाव मेरे घर पे। बस अनायत अनायत ही सुनाई देता रहेगा घी के साथ। अब हम और लस्सी है, तो अब खाते हैं और फिर चलते हैं जहाँ जाना है। तो बस हम निकल गए हैं। अंकल एक मिनट,
तो हम निकल पड़े हैं। मेरे को तेरे अंकल बोल रहे थे कि तू झूठ बोल रही है कि नहीं जा रही है घूमने। तो बस और अनायता आ गई पीछे से, अनायता जी। तो अभी नहीं बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं, आगे आगे, क्योंकि आप लोग फिर स्किप कर करके देखते हो व्लॉग, तो इसलिए आगे आगे बताऊंगी। यार गर्मी से ना इतनी सर दर्द हो रही है ना गर्मी से, कसम से। अभी कहाँ हो? गाड़ी के भी बुरे हाल है, वॉशिंग वगैरह करनी पड़ेगी। अरे बहुत ही सर दर्द हो रही है इस गर्मी से। तो अनायता सनरूफ तो बेटा लगाना पड़ेगा। ये सोच रही थी कि मामू की गाड़ी है, घर में बोली कि सनरूफ खोलेंगे फिर हम। हाँ तो जी, हमारा अब सफ़र स्टार्ट हो गया है आज का। और मैं शेड्स बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मैंने ये जो काजल वगैरह लगाया होता है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा शेड्स नहीं पहनती हूँ। और वैसे मेरे को मतलब बोला है शेड्स पहनने के लिए, क्योंकि मेरी इधर छाया वगैरह है, धूप से बचने के लिए शेड्स वगैरह। सिर्फ मैं ये काजल वगैरह लगाने के चक्कर में शेड्स नहीं पहनती क्योंकि फिर काजल नहीं दिखता है। तो बस अब स्टार्ट है। मेरे साथी दो आगे बैठे हैं, एक इस तरफ बैठा है। और बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अनायत जी आपका सफ़र स्टार्ट है, कहाँ चले हो? ये भी अब अच्छी व्लॉगिंग करती है, ये नहीं बताएगी। ये देखो अब कितना जाम लगा है, अभी तो शुरुआत ही है। अभी शुरुआत है और हम ऐसे अभी जाम में फंस गए हैं। और देखो आगे कौन बैठा है आज, बड़े साहब, छोटे साहब। छोटे साहब इधर देखिए, छोटे साहब के साथ बड़े साहब बैठे हैं। जो बड़े साहब है वो लास्ट में बैठे हैं, हमारे को लास्ट में भेजा है इन्होंने। हमारा जाम अभी तक भी नहीं खुला और इतने बोर हो गए, मतलब अभी हम छोटे शिमला भी नहीं पहुँचे हैं, दिल्ली से छोटे शिमला भी नहीं, इतना टाइम हो गया हमारे को, एक एक घंटा हो गया, एक डेढ़ घंटा। और हम खा रहे हैं खुरमानी पलम सफ़र में, और क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और इसको खा के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर से लाए हुए हैं तो सफ़र में हम इसे लेके आए हैं। जब तक आना है मेरे पास ना आए, मतलब उसका मज़ा नहीं आता है। कैसा लगता है मामा? रास्ते में थोड़ी देर रुक चुके हैं, थोड़ा ब्रेक, क्योंकि अब अनायत को थोड़ी भूख भी लग गई होगी, 6:30 हो रहे हैं, तो इसने 1 बजे का खाना खाया है। तो बस हम रुक गए रास्ते में। ये चली है अनायत, देखती है कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं। क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ? यार पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग यार। ये भी एक टास्क होता है। क्यों कर रहे हो अनायत ऐसे ऐसे? अनायत का तो हाँ खाएंगे, पर अभी नहीं, हम ना जाते जाते लेंगे गाड़ी में, अभी तो पहले कुछ खाना। कौन सी बताओ उनको, दिखाओ ये ब्लू, फिनिश करनी होगी। नहीं टेस्ट उसका तो उसको कुछ नहीं, कलर का है इसको ज्यादा। ये वाली है ना ब्लू वाली, ये अनायत की आइसक्रीम, ये लो। तो वो स्पून लेने दो, थैंक यू भैया, ये लो। ठीक है ढंग से पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, गिर जाएगी। चलो चलो खाओ खाओ, शिमला में नहीं मिलती आपको ऐसी ऐसी, नहीं खा लो। फिर प्रिंस ने तो अपने लिए बर्गर, और अनायत का तो यही होता है हमेशा फ्रेंच फ्राइज, मेरे और संजू की तो अब आने वाला है। आ गया, मैंने संजू ने तो भाई पिज्जा मंगाया, हम तो कुछ पिज्जा के ही शौकीन है। खा लो खा लो, अच्छा लग रहा है, डोमिनोज का पिज्जा।
गोलगप्पे का मन कर रहा है कि गोलगप्पे। हाँ कैसे? हाँ टेस्ट करते हैं जरा, करो टेस्ट कैसी है भाई। खाते क्यों नहीं हो तुम लोग? कैसे है? मीठा पानी नहीं था इसमें? नहीं एक जैसी है ये मीठा। खा जरा कैसे है बता। कहीं हींग हूंग की वो तो नहीं है पानी में इसमें? ठीक है चलो खाते हैं। हो गए हम खा के फ्री, और इतनी अच्छी हवा चली है, ठंडी हवा चली है, बहुत अच्छी। और अनायत को तो यहाँ खेलने का मन कर रहा है, अनायत को तो इतना मजा आ रहा है। चल चलो अब चलो चलो ठीक है आओ। यार देखो ये तो मतलब कहीं भी चुप नहीं रहती है। चलो चलो हाँ नहीं नहीं चलो किसी और का नहीं है, चलो चलो। बहुत शरारती है यार, आगे देखना पड़ेगा, नीचे से गाड़ी आए। तो हो गए फ्री, हम खाना खा के, खाना ही समझो स्नैक्स, अब बस चल पड़े हम वापस। और सुन देखो क्या बोलते, पिज़्ज़ा अच्छा लगा यहाँ पे मेरे को, इसका बहुत अच्छा लगा मेरे को पिज़्ज़ा ना, डोमिनोज शिमला में भी है पर बाकी। पहुंच गए जी हम लोग, चंडीगढ़ आना था हमने, और पसीना इतना ज़्यादा। और ये लोग तो कैसी लू चल रही है अनायता, थक भी चुके हैं। कैसी चली है भाई लू? हाँ ठंड है ना बात देखो तो आ जाते हैं। हाँ हेलो हेलो कुछ नहीं, चलो अब चलते हैं, दिखाती हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ। चलो कसम से क्या ग्लो है यार, आदत ही नहीं है गर्मी की। तो बस पहुंच गए हैं हम, चाइना मेरे को तो ऐसा सोच रही है कि कल मिले आपसे तो। चलो चलो बेटी थक चुके हैं, बस अब थक चुके हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, बहुत थक चुके हैं। चलो फिर थक चुके हैं बहुत ज्यादा, बस पहुंच गए हम अब। अनायत का सामान जब हम पिछली बार आए थे तो अनायत यहाँ भूल गई थी ये सब कुछ, शायद इन्हें कुछ लिया तो नहीं अनायत ना। इस पर्स में था ये अनायत का सामान, मनी काउंट करो पूरे भी है। शायना दीदी ने कहीं आपकी चोरी तो नहीं की? और कितने थे? कितने थे जरा नहीं, नहीं। तो बस अब हम डिनर करने लग गए थे, और इतनी गर्मी में खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो मुझ दीदी ने ये बनाया था। मैं बस दाल ही खाई और लस्सी भी है, और बस अब अनायत अब अनायत खा रही आइसक्रीम। आप क्या कप में खा रहे हो? ऐसा क्या है कप में ही आइसक्रीम? इसका कप है, मैं भी खा रही हूँ। खाओ खाओ चलो चलो फिर सो जाओ। तो बस अब सोने की तैयारी है, और मंजू दीदी वगैरह भी कल ही चंडीगढ़ आए थे क्योंकि उनको छुट्टियां पड़ी है, तो ये गांव गए हुए थे, तो शाइना का कॉलेज का है कुछ पता नहीं, तो ये भी कल ही चंडीगढ़ आए थे, और बस ये कल वापस चल जाएंगे शायद एक दो दिन से। तो बस अब हम भी सोने की तैयारी कर रहे हैं, और आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।